दोस्तों रशिया से डिफेंस सप्लाईज में भारत एक शार्प ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकता है। ऑलरेडी रशिया से 2 तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स की सप्लाई में 6 महीने का डिले है और साथ में S-400 मिसाइल सिस्टम, MiG-29 फाइटर्स एक्सेट्रा की सप्लाई में शॉर्ट टर्म डिलेज देखे गए हैं और इन डिलेज का सबसे बड़ा कारण है रशिया का कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर चिप्स तक ना पहुंच पाना। रशिया के यूक्रेन इन्वेजन के बाद से ही फरवरी में USA और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अन्य 3 पिलर्स ताइवान, साउथ कोरिया और जापान ने रशिया के डिफेंस सिस्टम में यूज होने वाले सेमीकंडक्टर्स को बैन कर दिया था। अब रशिया के पास यहाँ से 2 तरीके हैं, पहला कि वो किसी थर्ड पार्टी फर्म या फिर दूसरा चाइना से अपनी चिप डिमांड्स को पूरा करे। पर दोनों ही केस में भारत के सामने सवाल ये है कि क्या हम इन डार्क मार्केट्स या फिर चाइना से ली गई चिप्स को अपने मिसाइल्स या सबमरीन्स में यूज करना चाहते हैं। ऐसे में हमारे लिए जरूरी है कि हम डिफेंस इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करते हुए इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करें।